सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो वी स्टडी अबाउट रिएक्टिविटी। व्हाट इज रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी क्या होती है? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्केटेड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें, रिएक्टिविटी क्या होती है? जो हमारे फूड्स होते हैं उनका खराब हो जाना, और जो खराब होने के बाद जो बेकार हो जाते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे जो फूड्स होते हैं डिस्ट्रॉय होते हैं, खाने लायक नहीं रहते हैं, टेस्ट से बेकार हो जाता है उनका कह सकते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है हमारा रेंसिडिटी। जैसे अगर शाम को हमारी कोई वेजिटेबल है घर पे अगर रखी होती है, अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में ना रखें, स्पेशली समर सीजन में गर्मी के मौसम में, तो सुबह जो है वो वेजिटेबल होगी तो रेसिपी होगी वो खराब हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेंसिडिटी। नाउ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वे। जो रेंसिडिटी होगी हमारी फूड को, उससे कैसे बचा सकते हैं, फूड को अपने कैसे सेव कर सकते हैं? देयर आर फॉलोइंग वेज, हम लोग निम्नलिखित तरीके से या बोलते हैं फॉलोइंग वेज से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने फूड को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। नंबर 1 इज बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनर। जो फूड्स होंगे हमारे, फूड कंटेनर्स होंगे, उसमें हम क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट मिक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे। एंटीऑक्सीडेंट नंबर 1 इज BHA, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एंड BHI, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। सेकेंड इज बाई फिलिंग द नाइट्रोजन गैस इन पैकेजिंग ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनर। जो हमारे ऑयल कंटेनर होते हैं या जो फैट्स होते हैं, फैट्स कंटेनर जो पैकिंग की जाती है, उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस को मिक्स कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जो कहा होगा मार्केट में हम जाते हैं कुरकुरे का पैकेट खरीदने के लिए, जब उसको हम ओपन करने से पहले देखते हैं तो बहुत सारा लगता है, काफी बड़ा साइज लगता है, जब उसको हम ओपन करते हैं तो उसमें कुरकुरे बहुत थोड़े से निकलते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो कुरकुरे और जो चिप्स होते हैं उस पैकेट के साथ में उसमें अंदर नाइट्रोजन गैस फिल होती है। नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं जिससे जो कुरकुरा या चिप्स है या जो हमारे स्नैक्स हैं उनकी एज लंबे समय तक रहे या लॉन्ग टाइम तक डिस्ट्रॉय ना हो, खराब ना हो। नंबर 3 इज बाई कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर। जो हमारे फूड्स हैं उनको हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, जैसे हम लोग अपने जो घरों में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, इवनिंग का जो फूड्स होता है उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं और सुबह में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ हमारी मेडिसिन भी होती हैं जो उसमें लिखा होता है, राइट होता है, दी मेडिसिन पुट इन अ डार्क प्लेस एंड -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो वी पुट देयर आर मेनी मोर मेडिसिन आल्सो इन रेफ्रिजरेटर। नंबर 4th पॉइंट इज फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर। जो एयर कंटेनर होते हैं, सॉरी, जो हमारे फूड्स होते हैं और जो फैट्स होते हैं, ऑयल होते हैं, जो पैकिंग की जाती है, तो उसको टाइट कर देते हैं जिससे एयर उसके संपर्क में ना आए। एयर उसके संपर्क में आएगी तो जो हमारा जो फैट्स होगा, जो ऑयल्स होगा, वो हमारा बेकार हो जाएगा या कह सकते हैं रैंसिड हो जाएगा, जो हमारी यूटिलाइज करने के लिए नहीं रहेगा। नंबर 5th इज रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय द स्टोरेज फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। हमारी कुछ मेडिसिन लिखी होती है, उसमें लिखा होता है साफ साफ, दिस मेडिसिन पुट इन अ डार्क प्लेसेस एंड अ 20 डिग्री सेल्सियस और अ रूम टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर से उस मेडिसिन को बाहर रखेंगे, रूम टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर हम उसको लाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो जो मेडिसिन होगी या जो फूड्स होगा वो हमारा बेकार हो जाएगा। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। तो देर आर आर डिफरेंस वे आई एक्सप्लेन हियर विच वी कैन प्रिवेंटेड द फूड फ्रॉम रैंसिड, या बोल सकते हैं रैंसिडिटी होने से हम अपने फूड को बचा सकते हैं डिफरेंट प्रोसेस को अप्लाई करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।